कुमार को इतनी तादाद में आने के लिए धन्यवाद। काफी मुद्दे अभी काफी समय ढूंढना है, क्योंकि मैं आपके साथ मुख्य रूप से दो बिंदु और एक तीसरा बिंदु भी थोड़ा बहुत टच करूंगा। रफेल के विषय में, ये इंटरसेप्शन और सर्वेलेंस के विषय में, और एक दो मुद्दे विदेश से संबंधित। उस आधार पर हमने कहा कि प्रति एयरक्राफ्ट 526 करोड़ 1600 करोड़ कैसे हुआ, इसका जवाब दें। आज हमें दो वर्ष में सिर्फ चुप्पी मिली है, मजाक मिली है, जवाब नहीं मिला। और दो दिन बाद 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो ऑफसेट कर रहा है ग्रोथ, इसके साथ करो, एचएल को भूल जाओ, और दसौल घोषणा करती कि हमारा ऑफसेट एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ। तो ये बदलाव कब आया, क्यों आया? 12 दिन बूढ़ी या 12 दिन युवावस्था की वो प्राइवेट कंपनी 12 दिन पहले कॉर्पोरेट हुई प्रधानमंत्री पहुंचने से, और एचएल जैसी इतनी पुरानी स्थापित कंपनी में बदलाव कैसे आया? कि फ्रांस सरकार लेटर ऑफ कंफर्ट दे रही है, लेकिन सॉवरन गारंटी नहीं दे रही। ये करारनामा हुआ लेटर ऑफ कंफर्ट के आधार पे। ये अगर स्कैम नहीं है, खपरा नहीं है, तो क्या है? मेरे पास ऐसे 5 मुद्दे और हैं, लेकिन मैं समय के अभाव के लिए उनमें नहीं जा रहा हूं। एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण बचता है, देश को आपने छुटलाया, बरगलाया, ये तो आपकी आदत है, जर्नलिस्ट है, इसका हमको कंप्यूटर देखना है। ये अनुरोध करेगी सीबीआई, सरकार निर्णय करेगी, और फिर अनुरोध का अनुमति नहीं। तो पहला बदलाव, अब एजेंसियां सीधा कर सकती हैं। नंबर दो, पहले उनको सिर्फ प्रायर अनुमति अनिवार्य थी, अब एक्सपोस्ट फैक्टो अनुमति मिल सकती है 3 दिन बाद तक। आप तो सत्ता में थे 18 साल में आपने दी, और अब आप कंप्लीट ग्रांट दे रहे हैं, और हम तो सत्ता में नहीं थे तब हमने वायदा किया था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और 10 दिन का वायदा 2 दिन में कंप्लीट कर दिया 3 दिन में, रिडिकुलस कौन है? और दूसरा, हमने तब भी जब केंद्र सरकार ले ली, हम 18 साल सोए नहीं थे,